हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, दैट इज एनिमेशन। सबसे पहले बात करते हैं एनिमेशन होता क्या है। किसी भी टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को विजुअल इफेक्ट प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड एनिमेशन। एनिमेशन की हेल्प से हम कोई भी टेक्स्ट अगर पावर पॉइंट में प्रेजेंट है या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी शेप है, तो उसका कोई विजुअल इफेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एनिमेशन हम कब यूज़ करते हैं अपनी स्लाइड्स में। जब भी हमने कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर फोकस करना होता है, उस केस में हम एनिमेशन को यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आपने दिखानी है अपनी स्लाइड्स में, या उस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना है, उस टाइम पे आप एनिमेशन को यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपने अपने ऑडियंस का इंटरेस्ट बनाकर रखना है अपनी प्रेजेंटेशन में, तो उसके लिए भी आप एनिमेशन को यूज़ कर सकते हैं। कई बार देखा होगा आपने, जब भी कोई प्रेजेंटेशन देता है उसकी स्लाइड्स में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होता है, तो उस टेक्स्ट को देख के जो ऑडियंस है वो बोर हो जाती है। तो उस बोर्डम को रिमूव करने के लिए हमारे पास ये बेस्ट ऑप्शन है एनिमेशन की। इसको हम यूज़ करके अपनी एनिमेशन, अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एरियाज़ की, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे एनिमेशन यूज़ हो सकती है, तो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में हैं। लाइक आप कोई एजुकेशनल प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, या कोई एंटरटेनमेंट है, कोई एडवर्टीजमेंट देनी है, मार्केटिंग करनी है, गेमिंग के लिए आपके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या फिर कोई आर्ट्स के रिलेटेड है। तो इस तरह वेरियस कैटेगरीज हैं, वेरियस एरियाज हैं जहाँ पे हम एनिमेशन को अपनी पावर पॉइंट स्लाइड में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एनिमेशन के बेसिक्स बताने जा रही हूँ, कैसे हम इन ऑप्शंस को यूज़ करेंगे, फिर हम स्विच करेंगे एडवांस ऑप्शंस की तरफ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एनिमेशन आपने देखा होगा, ऊपर एक टैब अवेलेबल है हमारे पास। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्रीव्यू है, एनिमेशन है, एडवांस एनिमेशन है एंड टाइमिंग्स है। इन ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करूँगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल इंसर्ट कर लिया है। तो इसके बाद हम एनिमेशंस की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही मैंने कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया यहाँ पे, तो अब आप देख सकते हैं ये सारी हाईलाइट हो चुकी हैं एनिमेशंस। सबसे पहले यहाँ पे एनिमेशंस में आप देखिए, सबसे पहले ऊपर है नन। अभी तक मैंने कोई भी एनिमेशन यूज़ नहीं की, तो ये हाइलाइटेड है नन। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं एनिमेशन की, जैसे एंट्रेंस है, एम्फेसिस है एंड एग्जिट है, और उसके बाद है मोशन पाथ्स। एक एक करके अब हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले है एंट्रेंस। एंट्रेंस में ये आपको ऑप्शंस मिलेंगी। इन ऑप्शंस की हेल्प से, जैसे कि इसका नाम है एंट्रेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट का आपने स्लाइड में एंट्रेंस दिखानी है, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो चलिए, जैसे मैंने इस ऑप्शन को यूज़ किया, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीव्यू में चेक करेंगे तो देखिए इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी स्लाइड में एंटर करेगा। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशंस अभी लगा के दिखा रही हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से ये एनिमेशंस जो हैं अलग अलग कैटेगरीज में क्यों डिवाइडेड हैं और कैसे ये काम करती हैं। दोबारा से हम एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे। ये मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर जो मैं एनिमेशन लगाने जा रही हूँ वो एम्फेसिस में लगाऊंगी। तो ये देखिए, नेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं। एनिमेशंस में दोबारा गए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और मैंने एग्जिट कैटेगरी में से फ्लाईआउट सिलेक्ट किया है, तो आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। लास्ट में एक और ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करेंगे।
और इस पे जो मैं एनिमेशन यूज़ कर रही हूँ वो है मोशन पाथ, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा। मैंने आर्क सिलेक्ट की है, तो आप देख सकते हैं ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। प्रीव्यू में अगर आपने ऑटो प्रीव्यू नहीं करना है, जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं और उस पर एनिमेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका जो प्रीव्यू है वो आपको दिखाई दे जाता है। अगर आपने इसको प्रीव्यू को बंद करना है, तो यहाँ पर ऑटो प्रीव्यू पर आप अनचेक कर देंगे, तो अब जब तक आप प्रीव्यू पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपको उस एनिमेशन का प्रीव्यू नहीं दिखाई देगा। तो मैं दोबारा से इसको चेक कर देती हूँ। तो चलिए हम अपने स्लाइड मोड में जाते हैं। तो एक एक करके अब हम समझते हैं। सबसे पहले कहीं पे भी मैं स्क्रीन पे क्लिक करूँगी तो देखिए यहाँ पे जो था मेरा रेक्टेंगल वो अभी विजिबल नहीं है, क्योंकि मैंने उस पर एनिमेशन क्या लगाई हुई है, एंट्रेंस वाली। तो जैसे ही मैं स्क्रीन पर क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगल यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट क्लिक पे ये स्पिन हो गया है। जो एम्फेसिस है वो क्या करता है, वो सारे की सारी एनिमेशंस जो हैं उसकी शेप को डिफाइन करती हैं, शेप को एम्फेसिस करती हैं। थर्ड मेरी कैटेगरी है जिसमें एग्जिट होता है। एग्जिट एनिमेशन मैंने लगाई हुई थी जिसमें फ्लाई आउट था, तो मेरा जो ट्राइंगल है वो यहाँ से चला गया है, बाहर निकल चुका। नेक्स्ट जो मेरी कैटेगरी है वो है मोशन पाथ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं ये जो पेंटागन है ये यहाँ पे मूव कर चुका है। तो इस तरह से ये सारी की सारी आपकी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कैटेगरीज अवेलेबल हैं, इनमें से आप कोई भी एनिमेशन अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी मोर एंट्रेंस इफेक्ट, मोर एम्फेसिस इफेक्ट, मोर एग्जिट इफेक्ट एंड मोर मोशन पाथ। अगर इनमें से अगर आपने कोई नहीं सिलेक्ट करना तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को भी आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इफेक्ट ऑप्शन की, तो जैसे देखिए ये मैंने फर्स्ट सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शंस हैं। डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन के साथ डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट ऑप्शंस होंगी, आप इन ऑप्शंस को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए इसके ऊपर जो एनिमेशन इम्प्लीमेंटेड है वो है फ्लाई इन, ये ऊपर हाईलाइटेड। फ्लाई इन में क्या हो रहा है, मेरा रेक्टेंगल नीचे से फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्लाइड ऊपर आ रहा है। अगर मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो मैं इसको डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती हूँ। ये देखिए फ्रॉम लेफ्ट, तो देखिए अब ये लेफ्ट हैंड साइड से एंटर हो रहा है। तो इस तरह अगर मैं इसकी बात करूँ नेक्स्ट स्पिन की, तो यहाँ पे जो इफेक्ट होंगे वो डिफरेंट होंगे। स्पिन किस तरह से करना है, आपने अभी जो एक्टिव है वो है क्लॉकवाइज। अगर आपने काउंटर क्लॉकवाइज इसको स्पिन करवाना है तो ये देखिए, तो ये डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट ऑप्शन है। हर पर्टिकुलर एनिमेशन का डिफरेंट इफेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ से आप इफेक्ट्स जो हैं एनिमेशन के वो चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको डिलीट करती हूँ सभी को। तो देखिए अभी प्रेजेंटली मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर एक ही एनिमेशन जो है फ्लाई इन वो लगी हुई है। अगर मैं चाहती हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्लाई आउट में एनिमेशन यूज़ करूँ, तो जैसे मैं फ्लाई आउट पे क्लिक करती हूँ तो इस ऑब्जेक्ट पे जो फ्लाई इन एनिमेशन लगी हुई थी वो क्या हो जाती है, ओवरराइट हो जाती है। तो अब सिर्फ इस पे एक ही एनिमेशन नहीं लग चुकी है, दैट इज़ फ्लाई आउट जो कि ऊपर हाईलाइट है। तो अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा एनिमेशंस को इम्प्लीमेंट करना है या लगाना है, तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन होती है ऐड एनिमेशन की। तो देखिए कैसे, इस ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर आपको एडवांस एनिमेशन में एक ऑप्शन मिलेगी ऐड एनिमेशन, मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया देखिए वो सारे की सारी ऑप्शंस दोबारा से यहाँ पे अवेलेबल हैं, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट एंड मोशन पाथ। तो यहाँ से मैंने फ्लाई आउट सिलेक्ट किया तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट के साथ नंबर वन एंड नंबर टू, ये क्या है, ये टोटल आपकी एनिमेशंस हैं कि इस स्लाइड के ऊपर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी एनिमेशंस आपने इम्प्लीमेंट की हुई हैं, ये आपको वो नंबरिंग दिखा रहा है। जैसे मैं वन नंबर पे क्लिक करती हूँ तो देखिए यहाँ पे जो है आपको
डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशंस मिलेंगी। तो हम इस ऑब्जेक्ट को दोबारा से इंसर्ट करते हैं, नया ऑब्जेक्ट लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सबसे पहले मैंने फ्लाई इन, देन ऐड एनिमेशन, ऐड एनिमेशन में मैंने फ्लाई आउट। तो देखिए दो अब यहाँ पे एनिमेशंस जो हैं इस ऑब्जेक्ट पे लग चुकी हैं। जैसे मैं नंबर वन पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लाई इन लिखा हुआ हाईलाइट हुआ है, जैसे मैं टू पे क्लिक करूँगी तो फ्लाई आउट। तो इस तरह से आप एक से ज़्यादा एनिमेशंस जो हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा सकते हैं। अब इसका मैं आपको दोबारा से स्लाइड शो दिखाती हूँ। जैसे मैंने स्क्रीन के ऊपर क्लिक किया तो देखिए सबसे पहले ये फ्लाई इन हुआ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये फ्लाई आउट हो चुका है। तो अब आपने देखा होगा जब तक मैं स्क्रीन पे क्लिक करती हूँ ये जितनी भी एनिमेशंस हैं ये तभी एक्टिवेट होती हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँ तभी मेरी एनिमेशन जो है वो एक्टिव हो, तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है ट्रिगर। ट्रिगर ऑप्शन की हेल्प से आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे, चाहे वो आपने बटन क्रिएट किया हुआ है या कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है या कोई क्रिएट किया हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे तब ये एनिमेशन जो है वो एक्टिव होगी। तो ट्रिगर ऑप्शन की हेल्प से यहाँ पे ऑन क्लिक ऑफ मैंने इस पर ट्रिगर इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो जैसे ही मैंने ट्रिगर इम्प्लीमेंट किया तो ट्रिगर मैंने इम्प्लीमेंट किस पे किया है, कौन सी एनिमेशन पे, फ्लाई आउट वाली पे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे ये रेड कलर का एक सिंबल बन चुका है जहाँ पे नंबर टू डिस्प्ले था पहले, तो मतलब यहाँ पे अब ट्रिगर लग चुका है। तो दोबारा से स्लाइड शो लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले स्क्रीन पे क्लिक किया तो आप देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है आपका आ चुका है फ्लाई इन एनिमेशन के साथ। तो मैं अब इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये फ्लाई आउट हो चुका है। तो ये मैंने किसकी हेल्प से किया, ट्रिगर ऑप्शन की हेल्प। ट्रिगर में मैंने क्लिक में क्या सिलेक्ट किया है, आपका ये ऑब्जेक्ट। तो ये सिंबल भी आपको दिखा रहा है कि फ्लाई आउट पे, मतलब जब आपकी ये एनिमेशन आपने रन करवानी है तो उस टाइम पे आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो ट्रिगर को रिमूव करने के लिए या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए या दोबारा यहाँ से और इसको अनचेक कर, तो आपका जो ट्रिगर है देखिए यहाँ से रिमूव हो गया है, यहाँ पे नंबर टू दोबारा से लिखा है। तो आगे मैं बात करती हूँ एनिमेशन पेंटर की। अब जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर कुछ एनिमेशंस जो हैं वो मैंने लगाई हुई हैं, जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है फर्स्ट, इसके ऊपर दो एनिमेशंस लगी हुई हैं। अगर मैंने सेम एनिमेशन कॉपी करनी है तो उसके लिए जो टूल है वो है एनिमेशन पेंटर। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले अगर सपोज कीजिए आपने ऑब्जेक्ट भी सेम रखना है तो इसको आप कॉपी कीजिए कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो देखिए दो ऑब्जेक्ट मेरे आ चुके हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर दो एनिमेशंस हैं नंबर वन एंड नंबर टू, जो मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर भी दो एनिमेशंस हैं नंबर थ्री एंड नंबर फोर। तो टोटल इस स्लाइड पे कितनी एनिमेशंस लगी हुई हैं, फोर। और जैसा कि मैंने ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट किया है तो ये दोनों एनिमेशंस क्या हैं, सेम हैं, फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट। तो हम एक बार स्लाइड शो में देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्लिक किया, देखिए ये फ्लाई इन हुआ, देन फ्लाई आउट, देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट। तो ये तो बात थी कि जब हमारे ऑब्जेक्ट सेम हैं। अगर सपोज कीजिए मैंने कोई शेप डिफरेंट लेनी है तो उस केस में मैं क्या करूँगी, इसको हम डिलीट करते हैं। तो मैंने इंसर्ट में जाके मैंने कोई नेक्स्ट शेप इंसर्ट की,
और इंसर्ट कर लेते हैं हम। मैंने यहाँ पे दो शेप्स को इंसर्ट कर लिया है और मैं चाहती हूँ कि मैं इस पे सेम एनिमेशन लगाऊँ जो कि मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई हुई है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सिलेक्ट करूँगी, एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करूँगी तो अब आप देख सकते हैं एरो के साथ एक ब्रश टाइप सिंबल जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि आपका एनिमेशन पेंटर, बेसिकली ये जो सिंबल है ये पेंटर सिंबल है, तो ये एक्टिवेट हो चुका है। तो जिस ऑब्जेक्ट पे भी आपने सेम एनिमेशन परफॉर्म करनी है उस पे जाके आप क्लिक कर देंगे। तो देखिए अब आपके ट्रायंगल पे भी दो एनिमेशंस आ चुकी हैं, फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट। अगर मैंने इस ओवल पे भी सेम अप्लाई करनी है तो मैं क्या करूँगी, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगी, एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करूँगी और जाके ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब टोटल 6 एनिमेशंस आपकी इस स्लाइड में आ चुकी हैं, फ्लाई इन फ्लाई आउट, ये सेम एनिमेशंस हैं आपके तीनों ऑब्जेक्ट्स पे। तो स्लाइड शो देखते हैं इसका हम। सबसे पहले मैंने क्लिक किया फर्स्ट ऑब्जेक्ट फ्लाई इन फ्लाई आउट, फिर से क्लिक करूँगी, सेकेंड ऑब्जेक्ट फ्लाई इन हो चुका है, फिर क्लिक पे फ्लाई आउट हो चुका है, नेक्स्ट क्लिक पे थर्ड ऑब्जेक्ट फ्लाई इन हो चुका है, क्लिक पे फ्लाई आउट हो चुका है। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसके ऊपर आपने सेम एनिमेशन को यूज करना है तो आप बार बार एनिमेशन पेंटर को सिलेक्ट क्लिक नहीं करेंगे। तो उस केस में आप क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक, दोबारा से हम शेप्स लेते हैं, तो मैंने ये दो नई शेप्स ले ली हैं। अब फर्स्ट वाले पे ऑलरेडी जैसा कि हमारे पास एनिमेशन एक्टिव है फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट, ये सेम एनिमेशन हमने नेक्स्ट टू ऑब्जेक्ट्स पे है जो है वो इंप्लीमेंट करनी है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके एनिमेशन पेंटर को दो बार क्लिक करूँगी, डबल क्लिक। तो अब आप देख सकते हैं पेंटर का सिंबल एक्टिवेट हो चुका है और मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट पे जाके क्लिक किया। तो देखिए अभी जो है आपका पेंटर एक्टिवेट है, ये डीएक्टिवेट नहीं हुआ है। तो अब हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जाके इसको क्लिक करेंगे और सेम एनिमेशन जो है आपकी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इंप्लीमेंट होती जाएगी। अब ये पेंटर जो है वो आपका एक्टिवेट ही है, तो डीएक्टिवेट करने के लिए मैं दोबारा से एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करूँगी। अगर आपने इस ऑप्शन पे माउस क्लिक नहीं करना है तो उसके लिए शॉर्टकट है ऑल्ट शिफ्ट एंड सी। तो इस तरह से आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे जो एनिमेशन इंप्लीमेंट की हुई है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी सेम एनिमेशन को विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन पेंटर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एनिमेशन पेन, एनिमेशन पेन एक विंडो है जिसमें आपको सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स और उनके ऊपर जो भी एनिमेशन इम्प्लीमेंटेड है वो दिखाई देते। देखिए तो ये आपको पूरा इसको बताएगा, जैसे फर्स्ट जो आपका है ऑन क्लिक पे एंट्रेंस है फ्लाई इन, देन एग्जिट है उसका फ्लाई आउट। तो इस तरह से एनिमेशन पेन में ये सारा कुछ विजिबल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सबसे पहले जो मेरा थर्ड ऑब्जेक्ट है उसकी एनिमेशन परफॉर्म हो तो यहाँ से आप उसको ड्रैग करके ऊपर ले जा सकते। तो देखिए अब मेरा थर्ड जो डायमंड वो सबसे पहले जो है फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट मोड में जाएगा। तो हम स्लाइड शो करते हैं, क्लिक किया तो ये देखिए अब इस टाइम पे आपका जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था पैरलोग्राम वो नहीं आया है, डायमंड शेप का जो ऑब्जेक्ट सबसे पहले वो फ्लाई इन हुआ, देन फ्लाई आउट, इन आउट, इन एंड फ्लाई आउट। तो ये सारे
एनिमेशन को करने के लिए सारा बेसिक टूल्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।